हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नुपुर। आज का वीडियो एक फेस्टिव मेकअप लुक है जिसमें हम एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया है। जब मेरा टोनर ड्राई हो जाएगा तब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाया है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और काफ़ी रीज़नेबल है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने NYB का कंसीलर यूज़ किया है, ये मीडियम कवरेज देता है और काफ़ी रीज़नेबल भी है। तो एक बार आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ किया है। इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हम अप्लाई करेंगे, अपने फेस पे टैप टैप करके इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे फाउंडेशन को। ये बहुत ही स्मूथ फाउंडेशन है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा और काफ़ी रीजनेबल भी है। अब मैं यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। इसको भी हमने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है पूरे फेस पे, नेक पे। नेक पे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपका फेस और नेक बहुत अलग अलग लगेगा जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फेस पाउडर को भी। यहाँ पे कॉन्टोर करने के लिए मैंने मार्स का पैलेट लिया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, प्लस ये बहुत ही स्मूथ बटरी क्रीमी की तरह है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा आपके फेस पे। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पे हम कॉन्टोर कर लेंगे। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने ईजीली ब्लेंड हो गया ये। अब यहाँ पे मैं ब्लशर के लिए कलर बार का लिपस्टिक शेड लगाऊंगी, रेड कलर का। बहुत ही सॉफ्ट सा रेड कलर है। हम अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से चीक्स और नोज़ पे लगा लेंगे और फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर के लिए इंस्टेंट ग्लो का हाइलाइटर लिया है, सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये। तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसको हाइलाइटर को चीक बोन्स पे, नोज एरिया पे, अपर लिप्स, चिन पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। ये ग्लो आप देख पा रहे हो, कितना अच्छा ग्लो आ गया इससे। तो अब आईब्रोज को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइट का पैलेट लिया है। इसमें हम ब्राउन शेड से आईब्रोज को फिल करेंगे। ब्लैक शेड से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा काफ़ी भयानक लगेगा ब्लैक से अगर आप आई शेडो को अपना फिल करेंगे। बहुत ही अलग सा लुक आ जाएगा आपकी आईब्रोज का, इसलिए आप हमेशा ब्राउन शेड को ही आईब्रोज पर ट्राई करें। अब यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर दूंगी, लिक्विड कंसीलर। अब आई मेकअप के लिए मैंने इधर अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लिया है, उसको हम ब्लेंड कर देंगे ब्रश की हेल्प से। इससे आपकी जो आईब्रोज हैं वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखेंगी। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन शेड लिया है सबसे पहले। आपको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिएगा। आप फर्स्ट टाइम पे अगर यूज़ कर रहे हैं कोई भी शेड तो उसको थोड़े से कम अमाउंट पे लीजिएगा और हमेशा ब्रश को टैप करके यूज़ करिएगा ताकि जो भी एक्सेस उसमें प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा।
अब हमने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रेड शेड लूँगी और उसको नॉर्मली ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से पूरी आईलेट पे। सेम रेड कलर को मैं लोअर लैशेस पे भी अच्छे से लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेबेलिन का काजल लिया है, इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। इनर कॉर्नर्स पे मैंने ब्रॉन्ज कलर यूज किया है हाइलाइटर के लिए, उसी शेड से मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर लिया है, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। तो यहाँ पे हमने अपना आईलाइनर भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे मेबेलिन का मस्कारा यूज़ करूँगी। तो ये मेरा आई लुक जो है क्रिएट हो चुका है। अब लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे स्मैश बॉक्स का ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, इसको अप्लाई करूँगी। एंड यस, मेरा लुक रेडी हो चुका है। तो रेड ड्रेस के साथ मैंने ये काफ़ी लाइट और सॉफ्ट सा मेकअप लुक रेडी किया है। तो ये आप किसी भी फेस्टिव सीजन में कैरी कर सकते हैं इस लुक को। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। थैंक यू।